अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के शुक्र से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज है संडे, तो वैसे मेरा व्लॉग बहुत लेट आ रहा है, संडे का व्लॉग है ये, तो क्या करूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा। इसलिए मैं शूट तो कर लेती हूँ लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाता वॉइस ओवर का किसी चीज़ का भी, तो इसलिए मेरे थोड़े व्लॉग लेट लेट आ रहे हैं, इसलिए सॉरी। तो सुबह आज संडे है तो सुबह के 10 बज रहे थे, 10 बजे मैं कर रही थी नाश्ते की तैयारी। तो यहाँ मेरी चाय बन रही थी और चाय के साथ मैंने बनाया था पास्ता सुबह में बच्चों के लिए नाश्ते में, तो वैसे सही मिल गया पास्ता और नाश्ता। तो पास्ता बनाया था मैंने और मैंने बनाए थे बच्चों के लिए पराठे। रात की रोटी रखी हुई थी मेरी, रोटी जो बची हुई थी मैं ऐसे उनको वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं पराठे वराठे बना देती हूँ बच्चों के लिए, तो मेरे बच्चे खा लेते हैं मज़े से। तो मैंने रोटियों के पराठे बना दिए थे। वही देखो मैडम, ये सो के उठी थी, मुँह भी नहीं धोया था इसने सड़लने अभी तक, ऐसी बैठ गई थी मेरे पास आके। तो वैसे किस किस के घर में बनते हैं ऐसे पराठे रोटियों के, अच्छे लगते हैं मुझे, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि किस किस के घर में पराठे ऐसे बनते हैं। तो यहाँ मेरा नाश्ता वास्ता सब तैयार हो रहा था और ये देखो ये जनाब सो रहे हैं। तो इनको इतना तेज़ बुखार था क्योंकि इनको मैं बता रही थी पिछली वीडियो में भी कि इन्हें बहुत ज़्यादा फीवर चढ़ा था, तो अभी तक इनका ठीक नहीं हुआ था। तो ये अरहाब भी सो रहा था यहाँ पर, नाश्ता मेरे सब तैयार कर रही थी मैं इतने। और ये देखो संडे के दिन हमारे मतलब मौसम इस कदर ख़राब था, अच्छा नहीं हो रहा था, मतलब घटा घटा सी थी और घटा भी ना बहुत अजीब सी थी, तो इस तरीके का हमारे यहाँ मौसम हो रहा था। तो आज फिर संडे को, वैसे तो मेरे लेट होता है सब कुछ, लेकिन वैसे ही डेली मुझे लेट होता ही है, लेकिन फिर भी उस दिन संडे में मैंने और थोड़ा जल्दी मेहनत लग रहा था क्योंकि इनको देखने के लिए मेरे भैया भाभी आ रहे थे, घर में आ रहे थे मेहमान, मतलब भैया भाभी मेरे आ रहे थे, तो इसलिए मैं सोचा था बच्चों को जल्दी जल्दी नाश्ता करा के अपना बाकी सारे काम निपटा लूँगी। तो यह नाश्ता सब मैं करा रही थी बच्चों को, ये नाश्ता तो हो गया था मेरा तैयार, तो अब मैं इसे उठा रही थी यार आपको। तो बस फिर नाश्ता वगैरह हमने सब कर लिया था, सब बैठ गए थे अपना, मैं अब फिर लग गई थी अपने कामों में। तो मुझे बच गए थे इसी में 12:30। तो यहाँ मैं बना रही थी चिकन, तो ये मेरा 1 किलो चिकन लिया था मैंने, तो आज मैं बना रही थी रोस्टेड चिकन। मैंने सोचा कुछ अलग सा बना लेती हूँ, तो रोस्टेड चिकन के लिए मैंने अपना 1 किलो चिकन ले लिया था, तो उसको कर रही थी मैं मैरिनेट। तो मैरिनेट करने के लिए मैंने डाल दिए थे अपने इसमें सारे मसाले। तो मसालों में मैंने डाला था 1 चम्मच डाला था मैंने गर्म मसाला और 1 चम्मच डाला था मैंने भर के काली मिर्च का पाउडर, ये जो मतलब छोटे वाला चम्मच होता है, तो इसे आधा चम्मच बोलेंगे, वैसे टीस्पून तो हाफ ही बोलेंगे इसको। तो ये मैंने डाला था और ये मैंने 2 चम्मच डाले थे मैंने भर के ये चाट मसाला, और एक मैंने नींबू का बड़ा से नींबू का रस डाला था और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाला था मैंने इसमें, और 1 चम्मच मैंने अदरक का पेस्ट डाला था और 1 चम्मच डाला था मैंने लहसुन का पेस्ट भर के। लहसुन का पेस्ट मैंने 1 से 1.5 चम्मच डाला था क्योंकि थोड़ा उसका उसकी खुशबू और टेस्ट थोड़ा और अच्छा आता है लहसुन का, तो मैंने वो डाला था। और मैंने इसमें 100 ग्राम के करीब डाली थी दही और 2 चम्मच भर के डाली थी मैंने हरी मिर्च और हरे धनिया का पेस्ट, और थोड़ा सा 1 चम्मच डाला था मैंने इसमें भुना हुआ जीरा। तो ये सब डाल के इसको कर दिया था मैंने मैरिनेट, तो मैरिनेट करने के लिए रख दिया था मैंने इसको, तो इसको रख दिया था मैंने 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो 1 से 1.5 घंटे में मतलब खूब अच्छे से ये अच्छे से मैरिनेट हो जाता है। वैसे तो आप इसे मिला के हाथों हाथ भी इसको बना सकते हो, लेकिन मैंने इसको अगर इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दो तो और अच्छे से मतलब इसका टेस्ट और अच्छा आता है, तो मैंने इसको रख दिया था 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। तो ये मेरा हो चुका था तैयार, तो इसको तो मैंने रख दिया था। फिर इतने में फिर भैया भाभी सब आ चुके थे, तो पहले मैं लग गई थी उनको नाश्ता वगैरह कराने के लिए। तो ये देखो मेरी किचन की हालत कितनी बुरी हो चुकी है, तो बस मैं फिर इन्हीं कामों को अपने करने लग गई थी, पहले ये सब समेट रही थी। तो इतने में ही मेरे भैया भाभी आ चुके थे, 1:15 बजे तक वो भी आ चुके थे। तो बस फिर पहले उनका मैंने नाश्ता वगैरह कराया, तो उसकी मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे अभी ऐसे वीडियो शूट करना कि खाने पीने की, मतलब लगता है ऐसे कि मतलब ये खिला रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता इस चीज़ें करनी, तो इसलिए मैंने वो नहीं शूट की थी। तो यहाँ मैं लग गई थी इसको फ्राई करने, तो ये तेल ले लिया था मैंने इसमें 2 चम्मच मैंने इसमें तेल डाला था बड़े वाले भर के, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने डीप फ्राई नहीं किए थे, वैसे ही शैलो फ्राई जो होता है ऐसे ही मैंने किए थे। तो तेल मैंने खूब अच्छे से गर्म कर लिया था, फिर इसमें मैंने डाले थे बड़े बड़े पीस अपने, तो क्योंकि इसमें जो होता है अगर हमें उस हिसाब से डालने, अगर छोटे पीस डालने तो सारे हमें छोटे पीस डालने चाहिए, अगर हम बड़े डालें तो थोड़े बड़े ही डालें ताकि अच्छे से सीख जाए, एक साथ सीखें, क्योंकि छोटे अगर वो छोटे बड़े एक साथ डालेंगे तो क्या होता है छोटी 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 जो बोटियाँ होती हैं वो गल जाती हैं पीस जो होते हैं तो हमारे, वो बड़े बड़े जो कच्चे रह जाते हैं, तो इसलिए थोड़े बड़े बड़े ही अगर डालने हैं तो सारे बड़े ही डालें। तो मैंने इसी तरीके से ये डाले थे, तो इसको मैंने 3-4 मिनट तक के लिए रख दिया था ढक के। तो जब 3-4 मिनट बाद ये थोड़ा मेरे सही से सीख गए थे अच्छे से, फिर उसके बाद मैंने इसको पलट लिया था, तो ऐसे ही अलट पलट करके मैंने इनको खूब अच्छे से सेक लिया था। तो इनको पूरे तरीके से सीखने में लग गए थे मुझे 15 मिनट, तो 15 मिनट में ये मेरे अच्छे से सीख गए थे, अच्छे से सारे मतलब बोटियाँ मेरी अच्छे से गल गई थी, तो मैंने ढक ढक के इसको ऐसे ही सेक लिया था।
बीच बीच में इनको पलटती रही थी। तो जब मेरी अच्छे से सीखी थी तो दूसरी बार के भी मैंने इसी तरीके से कर ली थी। सब इसको बोटियों को सबको ऐसे ही मैंने अपने पीस सारे तैयार कर लिए थे चिकन के, तो इतने ये मेरे सब तैयार हो रहे थे। तो इतने करी थी मैंने इसकी ग्रेवी तैयार, तो ग्रेवी की मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। तो ग्रेवी में मैंने लिया था, मैंने 200 ग्राम दही ली थी और मैंने 2 बड़े चम्मच लिया था मलाई, मतलब फ्रेश मलाई ली थी। आप क्रीम भी ले सकते हो, मलाई भी ले सकते हो, मेरे पास फ्रेश मलाई थी तो मैंने वो दोनों ले ली थी, 2 चम्मच भर के मैंने ले ली थी फ्रेश मलाई। तो मलाई को मैंने कर लिया, मलाई और क्रीम को कर लिया था मैंने मिक्स, उसको मैंने थोड़ा सा क्रीमी सा कर लिया था ब्लेंडर से चला कर। तो जब वो थोड़ा क्रीमी हो गया था तो फिर मैंने डाले थे उसमें थोड़े से अपने सूखे मसाले। तो सूखे मसालों में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला था उसमें, सिर्फ मैंने 1 चम्मच भुना हुआ जीरा डाला था, हल्का सा मैंने उसमें नमक डाला था और मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला था, उसके अलावा मैंने और कुछ नहीं डाला था उसमें। तो और हाँ, तो 1 चम्मच मैंने भर के चाट मसाला डाला था। तो मेरी वो ग्रेवी भी अच्छे से तैयार हो गई थी। तो जब मेरी बोटियाँ सारी अच्छे से सिक गई थी उसके बाद मैंने सब कर लिया, तो मैंने वो अपनी ग्रेवी में अपने सारा ये चिकन के पीसेस डाल दिए थे। फिर लगाया था मैंने इसमें धुआँ, तो धुएँ के लिए मैंने कोयला गर्म करके वो उसमें कढ़ाई में रख दिया था। फिर जब सब हो गया था तैयार उसके बाद डाला था मैंने बटर। तो बस मेरा बटर चिकन, रोस्टेड चिकन कुछ भी बोल सकते हो, वो मेरा तैयार हो चुका था एकदम। तो पूरी रेसिपी तो मैं इसकी नहीं दे पाई हूँ, पर फिर भी चलो इंशाल्लाह दूंगी आगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और जो मेरे चैनल नए हैं वो भी प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि देखो मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ, ऐसे ही नहीं है, तो इसलिए थोड़ा बहुत मुझे भी सपोर्ट कीजिए। तो मिलेंगे फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जो जो जिन जिनको मेरी रेसिपी अच्छी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।